हेलो, मातृत्व का अनुभव लेने वाली सभी गर्भवती माताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले कोई शांत जगह पर बैठ जाइए और कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। मन एकदम शांत शांत ओ अपने दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखें। मेरे प्यारे शिशु, आज मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाना चाहती हूँ। 5 सितंबर को टीचर्स डे आता है। वो सभी दिनों में से एक अति महत्वपूर्ण दिन है। बेटा, तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरा सब कहना मानोगे। आई एम योर फर्स्ट टीचर माय बेबी। बेटा, हमारे जीवन में माँ बाप के बाद जो कोई आता है तो वो है टीचर्स, गुरुजी, जो हमें लाइफ लेसन्स सिखाते हैं, हमें फ्यूचर के लिए बेहतर बनाते हैं। बेटा, हमेशा हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। टीचर्स जो भी कहे उसका सभी कहना मानना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारी गुणों की वजह से तुम टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट बनोगे। तुम्हारी वाणी में हमेशा नम्रता होगी और तुम टीचर्स का हमेशा सम्मान करोगे। टीचर्स डे 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, क्योंकि बेटा, वो एक श्रेष्ठ शिक्षक थे और वो शिक्षक के साथ साथ स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति बने। और बेटा, 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाने की और एक वजह भी है। माना जाता है कि एक बार जब सर्वपल्ली राधा कृष्ण का जन्मदिन था, तब उसके छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए पूछा। तब राधा कृष्ण जी ने कहा, अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु आप ये खास दिन को शिक्षकों द्वारा किए गए योगदान को सम्मानित करते हुए मनाएं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसके लिए बच्चों ने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया और उसका बर्थडे ना मान के शिक्षकों का बर्थडे उन्होंने सेलिब्रेट किया और सभी शिक्षकों को मान सम्मान दिया। उसके बाद पूरे देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बेटा, ये दिन सभी शिक्षकों के लिए समर्पित है। हमें शिक्षक को गुरु मान के उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बेटा, ये दिन बहुत महान दिन है। बेटा, तुम ये पोयम कंठस्थ करके टीचर को सुनाना। मेरी मैडम कितनी अच्छी, हम बच्चों को जैसी सच्ची, खेल खेल में हमें पढ़ाती, ढेरों बातें बताती। हम बच्चों जैसी प्यारी मैडम, सबसे अच्छी न्यारी मैडम। क्या मैं तुम्हें एक और बात बता दूं? माँ बाप के अलावा बच्चों का सबसे अधिक समय शिक्षकों के साथ ही गुजारना पड़ता है, इसीलिए शिक्षक का गहरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बेटा, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से,
उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समझ कल्याण में जितने माँ बाप होते हैं खास, उतने ही गुरु के कारण होती है पेश की शाख। बेटा, इसीलिए हमेशा गुरु के चरणों में वंदन करना चाहिए और ये श्लोक हर रोज अवश्य बोलना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः।